हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें सीयूटी का जितना भी कंप्लीट सिलेबस है, हम थोड़ी सी वीडियो में यार ट्राई कंप्लीट कितना बन रहा है, बट वो इम्पॉसिबल लग रहा है अभी। तो मैं जो छोटे छोटे वीडियो में आपका पूरा पूरा सिलेबस मैं आपको बता। तो लास्ट टाइम हमने फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री डेवलपमेंट की, साइंटिफिक की बेसिक प्रिंसिपल्स की, नाउ हम बात करेंगे फिजिकल एविडेंस। ठीक है, फिजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? कोविड का तो कोई बॉडी को टच नहीं कर रहा था, तो एक तरह से वो हमारे हजार्डस एक्सेस
जैसे कि आपको देखने को मिला, हमने जोन में बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत वास्ट एरिया, उसको हमने जोन में सेट कर दिया, डिवाइडेड इन टू कितनी मैप से सकते हैं, उसको एक उसको एक उसको, ठीक है, एक टीम में वही चार मेंबर है, अगर ये उड़ जाते हो रहा है तो उसको और फर्दर जोन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। व्हील और रेसर्च, व्हील और रेसर्च क्या होता है, ये हमारा व्हील और रेसर्च होता है, इसमें क्या होता है, जो टीम होती है एक टीम यहाँ से इस तरफ सर्च करना स्टार्ट करती है, ठीक है, एक टीम यहाँ से ऐसे ऐसे करके सर्च करना स्टार्ट करती है, एक टीम ऐसे सर्च करना है, मतलब इस रो में एक आ रही है, इस रो में एक जा रही है, इस रो में एक जा रही है, इस रो में, ये हमारा वीरो रेसर्च मतलब होता है, जो कि सेंट्रल पॉइंट से मूव चुका है, स्ट्रोक को ना मिले, ठीक है, व्हील की तरह उसको मूव किया जा रहा है। इसके बाद स्क्रीन एंड लाइव सर्च मतलब है, टाइप से भी बाइडिंग इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टिगेटिव सर्च इज स्ट्रिक्ट सिस्टम है। स्क्रिप्ट है हमारे क्या होता है, नॉर्थ में जो हमारे स्क्रिप्ट हम जाते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पेंसिल है, ऐसे स्क्रिप्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको सर्च किया जाता है, ये हमारा स्क्रिप्ट मतलब होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ, अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत बताया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी, अब चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है आप लोग बताओ, चेन ऑफ कस्टडी जो होती है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चेन ऑफ कस्टडी इज द डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल हु हैव हैड पोजेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस ऑन द टाइम ऑफ इट्स अरेस्ट एंड प्रेजेंटेशन इन अ कोर्ट, ठीक है, ये हमारा चेन ऑफ कस्टडी वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि हमारा फिजिकल एविडेंस कलेक्ट कर रहा है एट अ टाइम वहां पर प्रेजेंट है और बिल्कुल नो जस्टिस कानून के सामने जाने का जितनी भी चीजें होती है, अगर आपने कोई एविडेंस उठाया है वो एविडेंस आपने कोर्ट में पेश किया है, इससे पहले किसके पास गया है, कब गया है, कहाँ गया है, वो सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं चेन ऑफ कस्टडी के अंदर, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जैसे ही हो सकती है कि आपका कोई एविडेंस हमारे मिस हो जाता है, कोई डिजिटल एविडेंस किसका फोन है बट वो गायब हो बीच में है ही, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक गायब है, कब किसके पास नहीं रीच गया, जिसके पास रीच नहीं गया वही इंसान उसको इवन उस पर्सन क्या है इन्वेस्टिगेट कर देते हैं, लोग देते हैं बिल्कुल बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एंश्योर करते हैं एडिटिविटी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट इज हैंडल प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन लॉस ऑफ एविडेंस एलिमेंट्स इंक्लूड डिटेल्स सच एज द टाइम डिस्क्रिप्शन डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन द नेम ऑफ द कलेक्टर एंड द सब्सिक्वेंट कस्टडियन, ठीक है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं उसके अंदर जो हमारा चेन ऑफ कस्टडी होती है, उसको डेट लिखा होता है किस दिन हमने एविडेंस कलेक्ट किया, क्या टाइम था, किसने उसको किया, ठीक है, बाद में उसने उसको किसको दिया, कब तक कितनी देर तक कहाँ पर रखा था, हर इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर रखी जाती है। चेन ऑफ कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन आने की बिल्कुल स्कोप है, ठीक है। नॉर्मल कंक्लूजन है क्रूशियल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड ओपन इन फंडामेंटल्स होते हैं।